दोस्तों, अगर आपका फ़ोन भी गर्म हो जाता है या फिर हैंग करने लगता है तो इस वीडियो को देखने के बाद इस समस्या का भी समाधान आपका हो जाएगा। आज हम कितना भी महंगा फ़ोन ले लें पर 1.5 से 2 साल चलाने के बाद हमें भी यह लगने लगता है कि यस आई नीड टू चेंज माई मोबाइल, और अल्टीमेटली हम अपना फ़ोन चेंज कर भी लेते हैं। और इसके पीछे खास 2 वजह होती है। पहली वजह, जो आपका फ़ोन है उसका प्रोसेस या सॉफ्टवेयर ज़्यादा अपडेटेड नहीं है, और दूसरी वजह यह है कि आपका फ़ोन हैंग हो जाता है या फिर गर्म हो जाता है। अगर पहली वजह है तो आपको वक्त के साथ फ़ोन को चेंज कर देना चाहिए, अगर दूसरी वजह है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फ्रेंड्स, इस टिप्स को समझने के लिए हम चलते हैं प्ले स्टोर पर। अपने प्ले स्टोर पर आप जाएं और जैसे ही ये इंटरफेस खुलता है, अपर लेफ्ट कॉर्नर पर यहाँ 3 छोटी-छोटी सी लाइनें दिखेंगी, इसको आप टैप करें। उसको टैप करने के बाद आप नीचे आओ, सेटिंग पर टैप करें और तीसरे नंबर के ऑटो अपडेटेड ऐप्स पर जाएं। इसको टैप करने के बाद और 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे और इसके तीसरे नंबर पे आप इसको क्लिक कर दें, क्योंकि दोस्तों आपके मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड पर प्रोसेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपका फ़ोन गर्म होता रहता है। दूसरी टिप्स के लिए फ्रेंड्स, आप अपने मोबाइल के सेटिंग पर जाएं और सेटिंग को टैप करने के बाद यहां सबसे नीचे और अबाउट फोन को टैप करें, और इसके सबसे नीचे आपको बेल्ट नंबर दिखाई देगा और इस बेल्ट नंबर को आप 7 बार टैप करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसके ओपन होने के बाद आपको मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट। आपका फ़ोन जो बैकग्राउंड पर प्रोसेस कर रहा है उस लिमिट को आप सेट कर सकते हैं, और आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस को एक्टिवेट कर लीजिए। इसके बाद आपका फ़ोन हैंग होना बंद हो जाएगा। आप अपने टोटल फ़ोन के स्टोरेज को कम से कम 30% फ्री रखें, और एग्जाम्पल के लिए आपका फ़ोन का स्टोरेज है 64 GB, कम से कम इसको 15 से 20% खाली ही रखें ताकि आपका फ़ोन अच्छे से वर्क कर पाए। और इस चीज़ को मैनेज करने के लिए आप टाइम टू टाइम अपने फाइल मैनेजर पर जाएं और इंटरनल स्टोरेज पर जाके जितने भी अनावश्यक फाइल हैं सबको आप डिलीट कर दें, जिससे आपका फ़ोन फ्री चलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।